न्यूज 18 इंडिया तैयार है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देखेंगे सबसे तेज नतीजे, सबसे विश्वसनीय नतीजे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नतीजे आते हैं सीधा काउंटिंग सेंटर से, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। हमारे साथी वहां मौजूद हैं, हर काउंटिंग सेंटर से सीधा एंट्री हो रही है डेटा की इलेक्शन रिजल्ट हब में, जहां शालिनी मौजूद हैं, वहां से सीधा इस स्कोर बोर्ड पर नतीजे आ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर भी पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हर राज्य के नतीजे, हर राज्य में जो फैक्टर है उनकी सीटें, हर राज्य के जो बड़े चेहरे हैं, हर राज्य के जो जिले हैं वो यहाँ स्कोरबोर्ड पर दिख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अब तमाम एक्सपर्ट्स जो इस स्कोरबोर्ड को देखकर इस पूरे नतीजों का विश्लेषण करेंगे, जैसा हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, स्कोरबोर्ड पर भी, दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी, मुख्यालय के बाहर भी बहुत चहल पहल है। प्रियंका वहां पर मौजूद है। प्रियंका, मेरी आवाज मिल रही है? जी किशोर, सुबह सुबह ही दिल्ली कांग्रेस का जो ये दफ्तर है यहाँ माहौल बन गया। मैं पहले तो आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से, आप देखें कि राममय हो गया है पूरा कांग्रेस दफ्तर। ये ऊपर जरा पहले तस्वीरें देखिए, पूरी दीवारें कांग्रेस दफ्तर की आज रामचंद्र और हनुमान जी की इन तस्वीरों के साथ सजी हुई है। और यहाँ पर राम बने एक शख्स भी बैठे हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं आज राम जी कांग्रेस दफ्तर में कैसे। सच्चाई के लिए आए हैं, सच्चाई की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। आशीर्वाद देने आए हैं? बिल्कुल आशीर्वाद। ये देखिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं किशोर, कि किस तरीके से अभी नतीजे आने शुरू भी नहीं हुए हैं लेकिन जश्न शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देखें जहाँ पर ये हरियाणा से आए हुए आर्टिस्ट जो है सुबह से ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बहुत ज्यादा आशान्वित है कि आज कांग्रेस के नतीजे जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसलिए अभी शुरू होने से पहले जी जी प्रियंका, यहाँ एक्सपर्ट्स हमारे साथ तमाम मौजूद हैं। राजीव तुली जी भी हैं हमारे साथ इस बीच। ओ राजीव जी, कांग्रेस दफ्तर में राम जी पहुंचे। मैं वही, एक ये बड़ा परिवर्तन है कि जो राम को काल्पनिक बताते थे, 20 वकील खड़ा करते थे राम को काल्पनिक बताने के लिए, आज वो अपने कार्यालय में पहले राम जी को अपने यहाँ पर बिठा कर रखे हैं। ये तो तर्क हो गया। ये अब हम ये नतीजों को देख के क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये राम जी तो वहाँ पहुँच गए? नहीं, ऐसा नहीं। राम जी तो, हम तो शुरू से मानते हैं राम जी तो सबके हैं, जो नहीं मानते थे वो मानने लगे, ये एक अच्छा परिवर्तन है। अच्छा, अब बताइए स्कोर आपका चार राज्यों का। अभी आ जाएगा वो तो आ ही जाएगा ना, आप 3-0, 4-0। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं पर भी कुछ भी प्रेडिक्ट करना इस समय, क्योंकि चुनाव बहुत टाइट है एक आध स्टेट छोड़ करके। अच्छा, कौन सी छोड़ करके? तेलंगाना में टाइट नहीं है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ छोड़ करके। मुझे लगता है बाकी जो दो बड़े राज्य हैं, उन दोनों बड़े राज्यों में बाएं या दाएं कहीं भी कुछ हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश कहीं भी जा सकता है, राजस्थान कहीं भी जा सकता है। जन की बात के प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं, आपके सर्वे को छोड़िए, ये बताइए ये मध्य प्रदेश राजस्थान कहीं भी जा सकता है? देखिए, राजस्थान तो ज़्यादा बीजेपी की तरफ जाने का पूरा चांस है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे राजीव जी ने कहा 40 क्लोज मार्जिन सीट्स हैं, तो अगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी सीट जीत जाएगी तो मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर जाएगी। ऋषि जी, कांग्रेस यदि हारती भी है तो उसमें दो बड़े नेताओं का महत्वपूर्ण रोल मुझे लगता है कि हारती है तो रोल किसका होगा? विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, अभी वो हारने और रोल पे पहुंच गए। अच्छा, आप अपना स्कोर तो बताइए। देखिए, हमारा स्कोर बड़ा स्पष्ट है, चार राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में हम 110 सीटें लेकर आ रहे हैं कम से कम, और जो हमारे जो निर्दलीय विधायक जो हमें समर्थन देंगे उनकी तादाद अलग से है। इसी तरह से तेलंगाना है, मध्य प्रदेश में 130 से 150 सीटें हैं। मतलब राजस्थान आप जीत रहे हैं, तेलंगाना आप जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश आप जीत रहे हैं, मतलब राजस्थान कांग्रेस जीत रहे हैं, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, चारों राज्य 4-0 कांग्रेस आ रही है, चारों राज्यों में कांग्रेस आ रही है। एक तरफा कांग्रेस की जीत मध्य प्रदेश में होने जा रही है, उसके बाद में जो दूसरे राज्य हैं छत्तीसगढ़ में हम एक तरफा जीत रहे हैं। राजस्थान में हमारी फाइट थी, लेकिन जो हमें रुझान आए हैं वहाँ हमारी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, ये हमारी उपलब्धि होगी। इसी तरीके से तेलंगाना में हम खुद के दम पर सरकार बना रहे हैं। सर, इनसे आप पूरी तरह सहमत हैं? इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं, चूँकि जितने भी रुझान आ रहे हैं ये उसके विपरीत बातें बता रहे हैं। वो पार्टी की तरफ से नहीं, रुझान तो जो मैं पोल प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ उसमें जितने भी सर्वे आए हैं उसमें तो आपको कहीं दिखाया नहीं गया एक छत्तीसगढ़ में आप हैं लड़ाई में। सर्वे तो ऐसे ऐसे हैं जो हर राज्य में हर पार्टी के लिए एक एक है।
हाँ वो बात भी सही है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जबरदस्त वापसी हो रही है और राजस्थान में इनके अपने कर्मों के कारण ये वहाँ से जा रहे हैं। कर्म तो राजस्थान वाले जो हैं वो दिक्कत तो देंगे नहीं। राजस्थान में हमारी जीत उसी दिन तय हो गई थी जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसी दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को जिता रहे हैं और हमारी जीत होने जा रही है राजस्थान। सुप्रिया जी देखिए मुझे नंबरों के चक्कर में तो ना मैं फंसना चाहती हूँ ना जनता को फंसा, क्योंकि जो बोलेगा वो फंसेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन ये ज़रूर है कि बदलाव की ओर है और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़ दें तो दोनों राज्य जो हैं उसमें नेक टू नेक फाइट है और अभी कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। तेलंगाना में फाइट नहीं है? तेलंगाना में फ़ाइट है, निश्चित तौर पे फाइट है तेलंगाना में, लेकिन देखिए वहाँ मैं केसीआर की बात करूँ तो मैं ग्राउंड पे गई, लोगों के अंदर केसीआर के लिए जो वही एक आप कह सकते हैं जो मामा के लिए मध्य प्रदेश में है तो केसीआर को भी लोग वैसे ही मतलब तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बदल रही आप कह रहे हैं? हाँ मतलब मध्य प्रदेश में बदल रही है। मध्य प्रदेश में बदल रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही है तो बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे अभी कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अभी उस सानिध्य में चली गई, अभी मिश्रा जी के विश्लेषण में शुरू में ही आ गया कि अगर हारती है तो कारण बताना शुरू कर दिए। ओवर कॉन्फिडेंस कौशिक जी का ऐसा है कि वो बता रहे हैं कि भैया 150 के पार सीट है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इनके अंदर हार की हताशा वो शुरू शुरू में ही दिखने लगी, अभी तो काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई है। और तेलंगाना में जहाँ तक की बात है तो इस बार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अच्छा कर सकती है। सर्वे जी सर देखिए एक 90 का दौर था तो एक नारा चला था मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम, तो उस समय बीजेपी के नेतृत्व थे उन्होंने कहा था कि एक ऐसा दौर आएगा जब सब मिलके कहेंगे कि जय श्री राम। आज वही दौर आ गया है कि कांग्रेस अपने दफ्तर पे श्री राम जी का वो करके बैठे हुए हैं, मतलब जो चुनावी हिंदू की जो उनकी जो रणनीति है वो चलिए रणनीति काम आएगी क्या? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी तो मध्य प्रदेश को रिटेन कर रही है और राजस्थान में जो रिवाज है उसी वही कायम रहेगा। राजस्थान में रिवाज यानी राजस्थान में सरकार पलटेगी? विक्रांत देखिए राजस्थान में बड़ा नेक टू नेक चल रहा है किशोर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान जो पिछले 3-4 महीने पहले एकदम कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर बुरी तरह हार रही है उसने वापसी की है और अशोक गहलोत ने ये चुनाव एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के तौर पर लड़ा है और पूरी तरीके से अगर कांग्रेस आज फाइट में दिखाई दे रही है नेक टू नेक में दिखाई दे रही है तो ये कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि अशोक गहलोत का खुद का परिचय। रणनीति बिल्कुल अलग कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन जो 3-4 महीने पहले जो लग रहा था वो हर राज्य में वैसा नहीं लग रहा है। 3-4 महीने पहले लग रहा था कि सर राजस्थान में तो बड़े आराम से बीजेपी वापस आ जाएगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वापसी कर लेंगे और तेलंगाना में केसीआर जीती जाएंगे और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जीती जाएंगे, लेकिन सब जगह फाइट हो गई। अमिताभ देखिए मध्य प्रदेश में तो 3 महीने में जो विक्रांत ने कहा 3 महीने राजस्थान में गहलोत ने काम कर दिया, बीजेपी में 6 मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे, लेकिन 3 महीने में क्या हुआ? 3 महीने में बीजेपी ने भी अपने आप को कंसोलिडेट किया है, महिलाओं ने ऑर्डर का इशू बनाया है, महिलाओं की बात की है, पीएमए रोड शोज किए हैं, रथ यात्राएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 3 महीनों में जहां कांग्रेस 130 से शुरू करने की बात कर रही थी, अगर अब नेक टू नेक की बात हो रही है तो ये भी मुश्किल की बात है। जहां तेलंगाना में किशोर बात हो रही थी कि बीजेपी अकेली लड़ेगी, बांडी संजय कुमार को हटाया गया, टीआरएस के लिए थोड़ा बीजेपी नरम पड़ी क्योंकि वहां कांग्रेस ऊपर आ रही थी, तो मुझे लगता है पिछले 3 महीनों में काफ़ी स्थितियाँ बदली हैं। छत्तीसगढ़ में भी मैं बोल रहा हूँ अभी रिजल्ट आने दीजिए, 15 सीटें नहीं रहेंगी बीजेपी की। हाँ 15 से ज़्यादा बढ़ेंगी छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ पर भी फाइट देगी बीजेपी। उनियाल साहब तो अब आपका स्कोर? किशोर जी मुझे लगता है कि 3-4 जो परिवर्तन नजर आ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन पर हमें जरूर निगाहें जरूर टिकानी चाहिए। तो सरकार राम राज्य का दोबारा से स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कोई भी आए, पहली बात तो विषय ये है, ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि राम राज्य आएगा ही। अब रहा स्कोर की बात, राम राज्य आ जाएगा फिर तो चाहे कोई भी आ जाए, वाकई में जनता भी कह रही कोई भी आ जाए राम राज्य आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक अपने आप में हिस्टोरिकल परिवर्तन है किशोर अपने आप में। नहीं पर देखिए ना राम बन के कोई आ जाए उससे राम राज्य आ जाए ये तो कहां एंट्री नहीं थी काल्पनिक, जैसे तुली जी ने कहा काल्पनिक चीज को वास्तविकता का रूप जामा पहुंचाना अपने आप में दिखा रहा है। आज इलेक्शन जो है अभी जबकि जीते नहीं है उससे पहले इनको पता है कि आज हमें राम के नाम की जरूरत है, कांग्रेस को एक पता लग गया है। परंतु आज देखिए मध्य प्रदेश में लगातार 5 बार और उसके बाद से दोबारा कंपटीशन में जबरदस्त और मुझे लगता है कि बिल्कुल सिरे चढ़ा जाएगी सरकार। सोलंकी साहब राजस्थान में वास्तव में फाइट टाइट है और वहां पर बीजेपी चाहेगी कैसे भी सरकार पूर्ण रूप से बनती तो अच्छा है, नहीं बनती है तो वो
हनुमान बेनीवाल और अदर्स जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी के ज़्यादातर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके साथ सरकार बना सकती है। क्यों मंत्री साहब? देखिए, ये चुनाव का इसका नैरेटिव बदला है। अब जनता जो है ये धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है। बीते 9-10 वर्षों में जनता ने देखा है कि ये धर्म तो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है ना। अगर धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है, वो कांग्रेस भी राम की बात कर रही है। राजनीति में बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव के बाद हमारा ये अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। कांग्रेस दफ्तर में नतीजों के दिन आप दिख रहे हैं, आप कह रहे हो राजनीति में बात नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस दफ्तर में हमेशा भगवान राम का वास रहा है, हमारे मन में, जन जन के मन में भगवान राम का वास रहा है। लेकिन जनता ने इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। जनता ने महंगी शिक्षा के आधार पर चुनाव लड़ा है कि क्यों है देश में महंगी। वो कहां गई महंगाई खत्म करने की बात, वो कहां गई रोजगार देने की बात, वो कहां गई अच्छा स्वास्थ्य देने। दो राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में तो कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि दो प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन की नीतियों के खिलाफ, तो दो राज्यों में तो प्रशासन कांग्रेस का था, एक ही राज्य में बीजेपी का। देखिए, जहां कांग्रेस का राज्य है, राजस्थान में रिवाज बदला है क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर वहां पर शासन हुआ है। मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि वहां पर पहचान एक भ्रष्टाचार की हो गई है। जनता चाहती है जिसकी भी सरकार हो, पांचों प्रदेशों में स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, ये हम भी चाहते हैं। और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की सरकार से लेकर के आ रही है, सब जगह जनता का आशीर्वाद मिला है। आप 4-0 कह रहे हैं प्रभाती, आप बताइए। भाई राम की बात कर रहे थे, बाबा तुलसी ने जब मानस के अंदर राम राज्य की परिकल्पना करी थी तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। अगर ऐसा हो गया हो इस देश के अंदर तो फिर मैं राम राज्य की बात करूं। और जहां तक राजस्थान का प्रश्न है तो मेरा मानना है कि राजस्थान में चौकीदार का पाला थानेदार से बड़ा। जीतेगा कौन? हम जीत रहे हैं पांचों राज्य। अभी तो उसके तो एक के तो कल आएंगे। नहीं, नतीजे कल आएंगे, मैं कह रहा हूं जीत रहे हैं। कांग्रेस चारों राज्य कांग्रेस, चारों तो हम स्पष्ट बहुमत से आ ही रहे हैं अपने दम पे। और मिजोरम के अंदर भी आप देखिएगा, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। मिजोरम में भी, चलिए मिजोरम की बात कल होगी। देखिए, बातें हैं बातों का क्या, चारों में आ रहे हैं, सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पीछे जा रही है, फिर भी इनका दावा है। दूसरा, कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे राम इनके रोम रोम में है। जो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती है उसके रोम रोम में राम कैसे हो सकते हैं। और एक बात मैं और आपसे कहूँगा, आपके पहले अभी राम और रोम की बात तो खैर नतीजों में सब साफ हो जाएगी, ये आंकड़ों को लेकर जो आश्वस्त है, आंकड़ों को लेकर आश्वस्त होते तो इस तरह से हवाई दावे नहीं करते, क्योंकि कहीं भी आंकड़े में नहीं आ रहा है कि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब भी हम लोग अगर राजस्थान के चुनाव को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी जीती उसके नंबर्स कितने ज़्यादा रहे हैं, और कांग्रेस जब भी हारी है कितनी ज़बरदस्त रूप से हारी है। लेकिन इस बार पहली बार अगर ये चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, तो ये स्पष्ट कर दे रहा है कि क्या स्थितियाँ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ये लेकिन राहुल जी, ये फैक्ट है, जब बीजेपी जीती है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, और कांग्रेस जब जीती है राजस्थान तो बहुत कम मार्जिन से जीती है। देखिए, कांग्रेस के वो मित्र उधर पीछे बोल रहे थे कि लोग धर्म से त्रस्त हो गए हैं। आज तक दुनिया ने सुना है कि लोग अधर्म से त्रस्त होते हैं, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ऐसा है कि धर्म से वो चुनाव उनाव हो गया। लेकिन ये जो आपने सीटों की बात की विजय जी, एक बात ये, राजस्थान में जब भी बीजेपी जीती है बड़े मार्जिन से जीती है, वो इसलिए जीती है क्योंकि 28-30 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हर हालत में जीतती है। ऐसी आपकी सीटें नहीं हैं, कोई भी आपकी एक भी सीट ऐसी नहीं है जो हाँ आप हर बार जीते हो। अगर आप विधानसभा में जीतते हो तो लोकसभा में उसी असेंबली सेगमेंट में आप पीछे भी हो जाते हो। देखिए, भाजपा की जो क्षेत्रीय नेत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनका अपना एक प्रभाव था, उसके चलते हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन इस बार गहलोत जी का जादू है और मोदी जी, मैं वसुंधरा जी होती आप नहीं जीतते। सुनिए ना, वसुंधरा राजे जी को सुनिए, वसुंधरा राजे जी को जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बर्फ में, वसुंधरा जी होती हैं अच्छा, अगर फ्रंट में हो सकता था, बिल्कुल हमें नुकसान हो सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं धर्म की राजनीति के ऊपर, भाजपा तो हर चीज में धर्म ढूंढती है। वहां महादेव ऐप ढूंढ लिया छत्तीसगढ़ में, असीम दास को ले आए कि जी 508 करोड़ रुपए कांग्रेसी नेता। ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर कोई राम बन के बैठा था, इसलिए बात शुरू हुई। तो इस बात का जवाब ये है, बड़ी सीधी सी बात है कि धर्म तो देखिए हर किसी का अपना एक धर्म है, और देश से बड़ा धर्म किसी का है क्या? हमारे वेद भी ये कहते हैं कि देश धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। तो कांग्रेस देश को बचाने की लड़ाई लड़ती है और भाजपा राम के नाम पर देश को बर्बाद करने की राजनीति करती है। एक सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, देश
में सबसे बड़ा धर्म आज के डेट में जब सनातनी इस तरीके से एकजुट हो चुके हैं, उसको तोड़ने की जो कवायद आप ये जातिगत जनगणना और गाली दे के जो करना चाह रहे हैं वो भी देश देख रहा है। और ये मैं आलोक भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, तो कौन करता है ये जातीय राजनीति? ये बात आप स्पष्ट, इलेक्शन हो चुका, अब ईवीएम से सिर्फ नतीजे आने हैं, अब